साहब बेरोजगारी का आलम ऐसा है, कुछ भी कर लूं दो रोटी के लिए, कुछ भी कर लूं दो रोटी के लिए, पर जब देश की बात आती है एक सिपाही बनकर देश की रक्षा करना अपना धर्म समझता हूं। बेरोजगारी का आलम कुछ यूं है साहब, इश्क सुनता नहीं, मम्मी समझती नहीं, पापा कहते नहीं, भाई सहते नहीं, बचे एक हम लेकिन अब बचे हम भी नहीं। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक ही इंडिया यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की ये वीडियो काफ़ी अलग है क्योंकि आज एक फिर से बच्चे की जान चली गई है, तो आगे की वीडियो में आपको उनके बारे में बताऊंगा कि वो कहाँ के थे और कैसे उनकी जान गई, आखिर क्या रीजन थे उनकी जान जाने के लिए, ये सारे डिटेल्स आप सभी को पूरे डिटेल में बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा और हाँ, इस वीडियो को मैं ज़रूर कहूँगा कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि इनकी डिटेल्स सारे इनके घर वाले तक भी पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो नीचे आपको रेड कलर की सब्सक्राइब का आइकन दिख रहा है वहां से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी की फिजिकल चल रही है और फिजिकल के दौरान बहुत सारे बच्चों को मैंने ऑलरेडी पहले भी बोला था कि अगर आपकी तबीयत खराब है, अगर आप किसी तरह के मेडिकल इंजेक्शन लेके जा रहे हो तो बिल्कुल आप रनिंग मत करो यार, आपकी जान से ज़्यादा ये चीज़ नहीं है। आज एक घटना फिर से सामने निकल के आई है दोस्तों कि जान जो है यहाँ पर चली गई है। आखिर क्यों जान गई है, इसके पीछे का रीज़न मैं आप सभी को बताऊंगा, लेकिन मैं फिर से आप लोगों को एक बार ज़रूर कहना चाहता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो को अपन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी उनके घर तक वाले भी जान सके और इनके घर तक इनकी जानकारी पहुँच सके। देखो दोस्तों इनकी जो तबीयत थी वो ऑलरेडी दो तीन दिन चार दिन से पहले ख़राब थी, इनको साथ बहुत फीवर था, लेकिन इन्होंने अपनी जिद के कारण यहाँ रनिंग भी उन्होंने शुरू किया और रनिंग इन्होंने कंप्लीट भी कर लिया था दोस्तों, लेकिन इनकी जो है लास्टली डेथ हो गई। अगर मैं इनकी चेस्ट नंबर की बात करूं तो इनकी चेस्ट नंबर यहां देख सकते हो 65 चेस्ट नंबर है और ये बच्चा काफी मेहनती था, ऐसा नहीं था, फीवर होने के बावजूद भी इसने अपनी रनिंग को कंप्लीट किया। मैं इस बच्चे को सैल्यूट करना चाहता हूँ यार कि एक देश की सेवा के लिए बुखार होने के बावजूद भी इन्होंने अपना रनिंग को कंप्लीट किया और इनके लिए मुझे अपने दिल से तहे दिल से बहुत ही खेद है कि इनकी आखिरी में मृत्यु भी हो गई। अगर दोस्तों मैं इनके बारे में आपको थोड़ा डिटेल बता दूं तो ये अरवल जिला से हैं और इनका गांव का जो नाम था सहार टेपला, इनका गांव का नाम था और यह अभ्यर्थी यहां का रहने वाला था। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन उनके घर तक भी पहुँच सके। शायद ये इन्फॉर्मेशन अभी तक इनके घर वाले तक को भी नहीं बताई गई है कि इनकी जो है डेथ हो चुकी है। ये वीडियो मुझे रिकमेंड किया गया एक सिविल डिफेंस के द्वारा और उन्होंने बताया है कि भाई आप इस पर कुछ वर्क करो क्योंकि अभी तक इसकी जानकारी इनके घर तक नहीं पहुंची है। प्लीज दोस्तों मैं आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट करना चाहता हूं इस वीडियो को सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ये जानकारी उनके घर वाले तक पहुंच सके कि उनके बेटे, उनके भतीजे, उनके भाई की जो है मृत्यु हो चुकी है। इसके लिए मुझे बहुत ही दिल से खेद है कि ये रनिंग करते हुए इनकी डेथ हो चुकी है। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही कहना चाहता हूं, इस वीडियो को कोई लाइक मैं नहीं बोलूंगा, कोई सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूंगा, बस इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मिलते दोस्तों आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।